सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है बे सच नानक होसे बे सच। जैसी में आवे खसम की बानी तैसड़ा करे ज्ञान वे लालो पाप की जंजले काबल हो दाया जोरी मंगे दान वे लालो। शर्म धर्म दोए चप खलोए कूड़ फिरे पर दान वे लालो। काजियां बामना की गल थकी अगदू पड़े शैतान वे लालो। मुसलमानिया पड़े कतेबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो। जात सनाती होर दवानिया हे भी लेखे लाए विलालो। खून के सोहेले गावे नानक रत कुंगू का पाए वे लालो। पाप की जंज ले काबलों दाया जोरी मंगे दान विलालो। तन जो बन दोए वैरी होए जिनस्यो रंग लाए दूता नू फुरमाया ले चले पत गवाए। तिन गल सिलका पाया तुटन मोसरियां। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जी गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उन्हें ही अखंड पाठ साहिब दे भोग पए कीर्तन होया प्रबंधकों वालों भी इशारा होया दासा नू के कुछ विचारां संगतां दे नाल सांझियां कीतियां जान के ये जड़ा शब्द है कि पाप की जंज लै काबलों दाया जोरी मंगे दान वे लालो। शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो के एक ये नक्शा है कि गुरु नानक साहब जी ये सुर गुरु ग्रंथ साहब शब्द है तिलंग राग दे 722 अंते च जो गुरु नानक साहब जी उदासियां करके मक्का मदीना दियां बगदाद दियां क्योंकि आप जी ने मैं थोड़ा जा ये भी वचन सांझे कर लवां कि गुरु नानक साहब जी भी मक्का मदीना भी 2 साल रहे ने गढ़ बगदाद निभाए के मक्का मदीना साहब निभाया सिद्ध 84 मंडली खट दर्शन पखंड जनाया उच्चे पीर तकरार करे फकीर वड्डा अताई इत्थे विच बगदाद दे वड्डी करामात दिखाई पाताल आकाशल कोड़क पाल खबर सुन इहो जी जिहड़े साखियां जिहड़ियां ने इतिहास जिहड़ा है गुरु साहिब दे जीवन दे भाई गुरदास जी ने लिखिया जिहड़े वारां ने। और यही जदों के गुरु साहिब जी जदों के मक्का मदीना तो बगदाद तो वापस अपने अपने वतना नूं आ रहे ने तो इस तकरीबन 2000 माइल का पेंड हैगा जिहड़ा कि काबुल तक का हैगा आ। तो गुरु साहब जी उतों जदों चल के काबुल तो बाद जदों के इधर अपने सैदपुर विखे आए ने तो 2 साल का पेंड 2000 माइल का सफ़र जरा गुरु साहब करके आए ने। तो जदों के सैदपुर के देखे हैगा आ तो की हैगा आ कि चारों पासे कतलेआम क्योंकि कतलेआम के भी जड़े तरीके हैगे ने समय समय जिस तरह के साइंस की तरक्की हुई जुल्म बढ़ गए ने इंसानियत उत्ते भी भीड़ां बढ़निया शुरू होईयां ने। ते बाबर जदों के काबुल तो जदों के हिंदुस्तान ते सैदपुर वेखे आया हैगा आ ते पाप की जंज लै काबुलों दाया जोरी मंगे दान वे लालो।
ਅਰੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 1984 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤੇਰੀ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਿਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਬੁਲਾਵੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਵਿਸਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਹੇ ਲਿਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ, ਉਹ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਦਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰੂਪੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੀ, ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਤ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਦਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਾ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
फिर समय 5 अगस्त विसर जाने हैं। अज देख लो पंजाब दे विच कितना मीडिया दे विच आंदा पे है कि भ्रूण हत्या अबॉर्शन दे उत्ते जिहनूं कहिंदे ने अबॉर्शन कह लो भ्रूण हत्या कह लो दस कई बारी प्रोग्रामां दे विच कहिंदा है क्योंकि विचार दुख की गल चल रही है, विचार चल रही है डर की, विचार चल रही है किस तरह जुलम होया हैगा है। जे बाबर ने जुलम किया पाप की जंज लिया के तो अज जुलम यह भी पंजाब दे विच हुंदा पिया हैगा है कि नशे च साडा जिहड़ा पंजाब हैगा ना गर्क हुंदा पिया हैगा। वही नक्शा बनिया हैगा है कि जो सैदपुर दे विच कतलेआम होया सीगा अज साडे पंजाब दे विच वही नशा हुंदा पिया हैगा है। मातावां नूं भैणां नूं अपणियां बच्चियां डर हुंदा है बच्चियां ने कि जिहड़े उन्होंने कोई सोने ते कोई चीज़ पाई हुई है घर दे विच कोई महंगी चीज़ रखी हुई हैगी है घर दे विच मोटरसाइकिल है कोई स्कूटर हैगा जो कोई भी हैगा है नशा ही औलाद होवेगी उस चीज़ों जाके बेच देवेगी। किसी वेले पता नहीं कि परिवार दे वाला जरा जी मेरा अज मेरे को घर सैकल पे है जरा कि मेरा माड़ा मोटा साधन है मैं पिंड तो सड़क तक जाने के लिए या मेरे दुकान तक जाने के लिए या मैं अपने स्कूटर के उत्ते अपनी बच्ची को मैं स्कूल कॉलेज छड़ता है पता नहीं मेरे जवान बच्चे ने नशे के बच्चे शाम को नशा ना मिलिया तो उन्हें पता नहीं की भैड़ा काम कर देना। ये साढ़े अज पंजाब का हाल हैगा आ कि दसदा जो भी मेरा प्रोग्राम टीवी पर आता है ना तो मैं कई परिवार फोन करते हैं सलाह लेंदे ने मेरे को कि की करिए साढ़े इस तरह साढ़े अच्छे बड़ी भीड़ा पई है कमाई नहीं हैगी फसलां साड़ियां उजड़ गई ने बरसात ज़्यादा पैगी जो कोई भी है जो सरकार जी खरीदनी पे मुल बराबर नहीं दिंदी पी हैगी तो करजा से डुबे हुए है तो की करिए फिर अपनी मुश्किल दस देने कि असं साढ़े च यह हो रहा और दस दूजी करे कि जी अबॉर्शन है माँ के कुख के 3-4 मिनट का बच्चा हैगा असं हथौड़ियाँ मार मार के ना उस बच्चे नूं कतल करदे आ। जिस बच्ची ने कल संसार च आके किसे महापुरख नूं जन्म देना सीगा अज तू उस बच्ची कुख दे विच मां दी कुख च उहदा कतल करके ना इहो सैदपुर दा इतिहास लै लो जो गुरु नानक साहब जी ने देखा गया बाबर ने जो जुलम किया हैगा आ उही तुहाडा जे इतिहास जिहड़ा हैगा आ पूरा पंजाब दे विच अज हिंदुस्तान दे विच जिथे भी मेरे सिख नशा ही रहिंदा पिया हैगा ना वो नाल वो यही इतिहास दोहराया जाता पे हैगा है कि शर्म धर्म दो छप खलोए कूड़ फेरे प्रधान वे ला लो शर्म धर्म दो छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो प्रधान कहते ने आगू जिस तरह अजकल साड़िया पॉलिटिकल पार्टियां ने ना आप जी मैं कई बचन कह दूँगा कि आम तौर पर असं जी रूलिंग प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी होंगी ना अस बहुत बुरा घट वध कहने ये थोड़ी थोड़ी विचार रखो मैं किसी भी पोलीटिकल पार्टी की हिमायत नहीं करता पर मैं थोड़ी सोच गलत सोच के उत्ते मैं थोड़ा जिहा तुहानूं जोर देवांगा कभी ठंडे दिमाग के नाल भी सोचो कि जिहड़े इसलिए मौजूदा सरकार ने कि वह दिल्ली की सरकार है कि वह पंजाब की सरकार है कि वह महाराष्ट्र की सरकार है कि वह वाशिंगटन की है कि ओटावा की कोई भी हैगी सरकार तुसीं उहनूं पॉजिटिव दे नाल सोचो कि इस साड़ी सरकार ने साडे समय के मुताबिक सानू कितनी साड़ी मदद की हैगी है कि असीं विचार कर रहे कि दुखां दे उत्ते विचार कर रहे जुलम दे उत्ते विचार कर रहे कि साडे अंदर जिहड़ा हम हंकार जिहड़ी ईरखा साडे अंदर भरी जिहड़ी साडी कि साडी अकल नूं बेसमझ कीता हैगा नशिआं ने जां जिहड़े कि साडे ते मजबूरियां ने और खास करके साडी जिहड़ी इसलिए जवान पीढ़ी नूं जिहड़े कि वड्डियां वड्डियां मोटरसाइकिलां कारां ज्वैलरी ब्रांडेड आइटम कपड़े वधिया वधिया लैने वधिया वधिया वड्डिया वड्डिया गड्डियां लैणियां प्यारो संतोखी जीवन च आवो किहड़ा सबर ते संतोख ये सबर ते संतोख जिहड़ा जीवन च बड़ा जरूरी हैगा साडे लई हर वेले तू अपने आप नूं सबर च रह हर वेले तू अपने नूं संतोख च रह सहस खटे लख उड़तावे तृप्त ना आए माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे ना तृप्तावे खफका मरे बिना संतोख ने को राजे सुपर मनोबिरते सब काज बिना संतोख तेनू जद तक तेरे का संतोख नहीं ना हैगा गुरबाणी ता ही कहते कि सरम धर्म दो छप खलोए ये की हैगे ने ये छप खलोए ने तेरे अंदरों भावें गुरु नानक साहब ने सैदपुर का नक्शा दिता हैगा आ कि कतले आम हो गए ने बाबर पाप की जंज लै काबलो दाया जोरी मंगे दान भी ला लो वो हिंदुस्तान की कन्या हुकूमत रूप कन्या जड़ा के दान मांगता हैगा आ